आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज की टीम ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित रूपपुर टडोला गांव पहुंची। लगभग 4500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान सोनी देवी हैं। इस गांव में कुल वोटरों की संख्या 2100 तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 500 के करीब बताई गई। बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में प्राइमरी व जूनियर पाठशालाओं में लगभग 170 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। वहीं गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभों जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा लाभ भी मुहैया कराया जा रहा है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो जाना कि गांव में प्रधान द्वारा 15 हैंडपंप लगवाए गए हैं जिससे गांव में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए परेशान न होना पड़े। वहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 100 बिजली के पोल भी लगवाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गाँव में 600 मीटर सीसी सड़कों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही साथ ग्रामीणों को शौचालय भी वितरित किए गए हैं जिससे गांव को शौच मुक्त बनाया जा सके और सरकार की स्वच्छ भारत मुहिम में वे अपनी भागीदारी पेश कर सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले पात्रों को सभी तरीके से आवास भी वितरित किए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक बारात घर बनवाया जाए, बची हुई सड़कों का निर्माण करवाया जाए, शमशान घाट का रास्ता बनवाया जाए, वहीं 40 आवास की और भी अभी ग्रामीणों को आवश्यकता है। मेरा नाम सोनी देवी है, मैं रूपपुर टंडोले की ग्राम प्रधान हूँ। हमने अपने कार्य में काफ़ी कार्य करा चुके हैं, अपनी ग्राम पंचायत में काफ़ी कार्य करा चुके हैं और भी कराने की इच्छा करते हैं। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो हमारे खाते में धनराशि भेजने की कृपया करें।